हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट 57 देशों तक पहुंच चुका है। WHO ने अपनी वीकली रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। अभी ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि ये बढ़ोतरी ओमिक्रॉन की वजह से हो रही है। यहाँ कोविड टेस्ट बढ़ने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ओमिक्रॉन का पहला मामला 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में मिला था। दुनिया के अन्य देशों के साथ भारत में भी ओमिक्रॉन का कहर बढ़ता जा रहा है। हाल ही में गोवा में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदिग्ध मामले सामने आए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि संदिग्ध संक्रमित रूस से दिल्ली होकर गोवा लौटे हैं। उन्होंने कहा कि अभी सीधे तौर पर इसे ओमिक्रॉन का मामला नहीं कह सकते हैं। बता दें, भारत के हर क्षेत्र से लगातार ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं। ICMR और NIV ने रैपिड कोविड टेस्ट की नई किट डेवलप की है। इसके इस्तेमाल से कोरोना टेस्ट की लागत 40% तक घट जाएगी। साथ ही 30 मिनट के भीतर जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। दो हफ्ते के भीतर एयरपोर्ट्स और दूसरी जगहों पर इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस किट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया है। बता दें, कोरोना और डेंगू जैसी महामारी का इलाज अब आयुष्मान भारत योजना के तहत हो सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को बताया कि इलाज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत होगा। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री पवार ने इसकी जानकारी दी है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, आपके साथ मैं सान्या। खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ।